दोस्तों नमस्कार उत्तराखंड के चार धाम यानी कि गंगोत्री यमुनोत्री बद्रीनाथ और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री चारों धामों के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि देश भर के श्रद्धालु इन चारों धामों में दर्शन करने के लिए आते हैं और कई बार ये होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो सही गलत जानकारी है उन तक पहुँचती है तो ये बेहद ज़रूरी है कि उन तक सही जानकारी पहुँचे तो ऐसे में हम लोग एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं चार धाम अपडेट के नाम से और कोशिश करेंगे कि उसके माध्यम से जो स्थानीय जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनकी समाचारों को लिया जाए और कुछ सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए जा सके तो ऐसे में आपसे भी अनुरोध है कि कृपया सही जानकारी को ही दूसरों तक शेयर करें ताकि लोग सही जानकारी मिलने पर उसके हिसाब से ही अपनी यात्रा का प्लान कर सकें किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो कोई अफरा तफरी की स्थिति न बने सबसे पहले यह है हिंदुस्तान की खबर हिंदुस्तान अखबार जिसमें यह कहा गया है कि अब यमुनोत्री में गेट सिस्टम लागू कर दिया गया है इसके हिसाब से एक दिन में केवल चार बार ट्रैफिक खोला जाएगा और पालीगाड़ से जानकी चट्टी के बीच में ये व्यवस्था लागू की गई है क्योंकि खासतौर से अगर आप देखेंगे तो 9000 प्रतिदिन यात्रियों के लिए एक संख्या निर्धारित की गई है यमुनोत्री के लिए और कपाट खोलने के दिन यहाँ पर 12000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँच गए थे तो उस दिन थोड़ी सी अव्यवस्थाएँ हुई और लोगों को दिक्कत हुई तो उसके बाद फिर ये सिस्टम लागू किया गया है इसमें कहा गया है कि पूरे दिन में केवल चार बार यात्रियों के वाहनों को जत्थों के उनके क्रम के अनुसार जान की चट्टी से आगे जाने की अनुमति दी जाएगी और पालीघाट से जान की चट्टी की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और जान की चट्टी में सरकारी और जो निजी स्तर पर करीब एक हज़ार वाहनों की पार्किंग की सुविधा है इसके साथ ही अखबार ये भी कहता है कि बाईस मई तक ऑफलाइन जो पंजीकरण है वो फुल हो चुके हैं यानी कि अब तेईस मई से ऑफलाइन पंजीकरण हो पा रहा है इसके साथ ही गंगोत्री हाईवे पर भी गेट सिस्टम गंगनानी से लागू किया गया है और गंगोत्री यात्रा मार्ग पर भी अखबार के हिसाब से कई यात्री जाम में फंसे हैं हालांकि जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट का एक बयान भी छपा है जिसमें वो कहते हैं कि यमुनोत्री में यात्रियों के लिए वन वे सिस्टम लागू किया गया है जिन्हें बारी बारी से भेजा जा रहा है और सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे वीडियो वास्तविक नहीं हैं यात्री विधिवत दर्शनों को पहुँच रहे हैं इसके साथ ही सरकार ने चारधाम यात्रा को सुचारू करने के लिए तीन आई ऑफिसर को इस इनकी जिम्मेदारी दी गई है सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार को रुद्रप्रयाग एस एन पांडे को चमोली और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह को उत्तरकाशी जिले में यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है बड़कोट से द्वारिका सेमवाल जी की खबर लगी है जिसमें कहा गया है कि सड़क किनारे बस में गुजारनी पड़ी यात्रियों को रात यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण व्यवस्थाएं पटरी से उतरी गंगोत्री हाईवे पर भी जाम में फंसे रहे वाहन इसके साथ ही दो फोटो लगी हैं जिसमें आप एक गंगोत्री यात्रा मार्ग को देख रहे हैं और साथ ही दूसरी जो फ़ोटो है वो हरिद्वार की है जिसमें हाईवे पर लगे हुए जाम को दिखाया गया है तो इसमें अभी के हिसाब से जिस तरीके से यात्री लगातार बढ़ रहे हैं उससे इस तरह की दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही हैं विकास नगर की खबर है जिसमें कहा गया है कि कटापत्थर में यात्रियों की वाहन रोकने पर हंगामा हुआ है कटापत्थर का जो रास्ता है ये दरअसल जो यमुनोत्री को जो रास्ता जाता है उसके बीच में पड़ता है जहाँ पर कल श्रद्धालुओं को रोका गया था क्योंकि यमुनोत्री में काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुँच चुके थे इसमें कहा गया कि यात्रियों के सब्र का बाँट टूटा पुलिस से हुई नोकझोंक इससे एक जो बड़ी दिक्कत आ रही है उससे संबंधित खबर है जिसमें कहा गया है कि अधिकांश श्रद्धालुओं का यात्रा शेड्यूल गड़बड़ा गया है क्योंकि जहां पर रोका जा रहा है तो वो जिस हिसाब से अगर उनकी बुकिंग थी तो फिर वो बुकिंग की जगह में नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे ही कर्नाटक के मैसूर से आए माधव का एक अनुभव भी इसमें साझा किया गया है जिसमें कहा गया है कि एक बड़े दल को यमुनोत्री दर्शन के लिए जाना था लेकिन अब उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है हालांकि प्रशासन की भी एक खबर लगी हुई है जिसमें कहा गया है कि अब यमुनोत्री में जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट जिनका बयान अभी कुछ देर पहले हमने आपको फ्रंट पेज की खबर का बताया था उसका विस्तार यहाँ पर दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि प्रशासन के द्वारा पालीघाट रानीचट्टी सानी चट्टी और वाहनों में प्रतीक्षारत यात्रियों के लिए पानी बिस्किट भोजन आदि आवास आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाई गई और यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बुलेंस सहित चिकित्सा दल को भी क्षेत्र में तैनात किया गया है जिलाधिकारी ने दावा किया है कि रविवार दोपहर से यमुनोत्री मार्ग में स्थिति थोड़ी सामान्य बननी शुरू हो गई है यमुनोत्री में श्रद्धालु सुव्यवस्थित रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई भी, भी एक ख़बर है जिसमें कहा गया है कि बद्रीनाथ की पहाड़ियों पर हल्का हिमपात है और केदारनाथ और यमुनोत्री में भी बारिश हुई है उत्तरकाशी में ओले गिरे हैं इससे आप एक अंदाजे लगा सकते हैं कि भले ही जिस इलाके में आप अभी रह रहे हो अगर मैदानी क्षेत्र में तो वहाँ पर पारा अड़तीस से चालीस डिग्री पहुँचा होगा लेकिन यहाँ पर हल्के हिमपात की भी खबरें हैं यानी कि मौसम काफ़ी ठंडा है तो आप जब भी चारधाम यात्रा में आने का प्रोग्राम बनाएं तो मौसम के हिसाब से ज़रूर ध्यान रखिएगा यहाँ के मौसम यानी कि चार धामों के मौसम के हिसाब से हिंदुस्तान ने फिर एक खबर को बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया है जिसमें कहा है कि पहले यात्रा टालने की अपील की गई और फिर वन वे की जानकारी दी गई दरअसल उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक्स पर शनिवार की स्थिति को देखते हुए रविवार सुबह छः बजकर बावन मिनट पर एक पोस्ट डाली गई जिसमें कहा गया कि यमुनोत्री में पर्याप्त यात्री पहुंच चुके हैं अब और अधिक यात्रियों को भेजना जोखिम भरा है इसलिए यमुनोत्री की यात्रा स्थगित करने की अपील की गई इसके बाद दोपहर तीन बजकर बावन मिनट पर उत्तराखंड पुलिस ने एक्सपर्ट दोबारा लिखा कि यमुनोत्री धाम में यात्रा सुचारू चल रही है उन्होंने ये भी कहा कि धाम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश का मौसम है सभी श्रद्धालु बरसाती छाता गर्म कपड़े और अन्य जरूरी सामग्री साथ रख कर यात्रा करें उत्तराखंड पुलिस ने यात्रियों को आपातकालीन सहायता के लिए 112 नंबर डायल करने की भी अपील की है यात्रियों के लिहाज से देखें तो अमर उजाला ने काफी अच्छी खबर प्रकाशित की है जिसमें गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा है कि पंजीकरण के दौरान यात्रियों को दो चार दिन बाद का स्लॉट मिलता है तो उनके रहने खाने का इंतजाम प्रशासन करेगा ये काफ़ी अच्छी खबर है अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में पहुँच जाते हैं बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तो उन्होंने कहा कि हमें संतुलन बनाकर चलना है जो यात्री यहाँ पहुँचे हैं उन सभी का पंजीकरण कराने के लिए उन्हें दर्शन कराने हैं धामों के सभी जिलाधिकारी उनके संपर्क में हैं और जैसे वहाँ की स्थिति सामान्य होने की जानकारी मिलेगी वैसे यहाँ से यात्रियों के अलग अलग समूहों को टुकड़ों में छोड़ा जाएगा यमुनोत्री से एक बुरी खबर भी है जिसमें कहा गया है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए एक और श्रद्धालु की मौत हो गई धाम में यात्रा करने के दौरान मरने वालों की संख्या अब तीन हो गई है केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है खबर के हिसाब से तीन दिन में पिचहत्तर लोग दर्शन कर चुके हैं बद्री केदार मंदिर समिति के कार्याधिकारी रमेश चंद्र तिवारी जी का बयान लगा है जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्म दर्शन सुबह चार बजे से शुरू हो रहे हैं अपराह्न तीन बजे भगवान केदारनाथ को भोग लगाने के लिए मंदिर बंद किया जा रहा है साफ सफाई के बाद पुनः चार बजे से शाम साढ़े छः बजे तक भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं उसके बाद सात बजे बाबा केदार की सायकालीन आरती के बाद बाबा केदार के, के श्रृंगार दर्शन कराए जा रहे हैं जो सभा मंडप से ही होते हैं यानी कि अगर आप शाम सात बजे के बाद दर्शन करते हैं तो आपको गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी आपको सभा मंडप से ही दर्शन करने होंगे तो ये थी चार धाम से जुड़ी हुई अपडेट अगर आपके मन में कोई सवाल हैं कुछ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है अगले अपडेट के लिए मिलते हैं कल तब तक दीजिए इजाज़त नमस्कार देख रहे हैं मन्नू की मौत चैनल को करें सब्सक्राइब सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं थैंक यू